कीवन पिटसन के बच्चे खुद तुझे इंग्लैंड ने ठुटे मार के इंग्लैंड से बाहर निकाला है। और भाई भाई तूने एक बात और बोली थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत पुअर है, रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत पुअर है, तेरे अब्बू ने तो ठोक दिया तुझे, तेरे अब्बू रोहित शर्मा ने तुझे ठोक दिया। ये जितने भी तूने इकट्ठे किए हुए हैं, बैन का स्टोक्स और बैन का फोक्स और बैन का मैकलम और बैन का ये सारे बैन का डकिट, सबकी बैन बून कर दिया उसने, नकल के भाई बजा दिया आज इंडिया ने, बजा दिया सही मायनों में। घंटा बजा किधर गया, छनकना किधर गया, घंटा बजाया तो छनकना भी तो बजेगा ना, ये घंटे के साथ साथ तो छनकना भी बजेगा, घंटे के साथ साथ तो छनकना भी बजेगा। ये जितने भी तू ले गया हुआ था ना इंग्लैंड से, बैन का डकीट, बैन का स्टोक्स, बैन का फोक्स और खुद भी तू बैन का मैं कलम ठोक दिया तुझे इंडिया ने पकड़ के, बजा दिया इंडिया ने आज पकड़ के। साफ जाहिर है घर बुला के जलील करना इसी को कहते हैं। सिर्फ जस्टिफिकेट बुमराह ने पहले इनिंग्स में 6 आउट किए हैं, देखे उसका यॉर्कर खेला ही नहीं जा रहा था, बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है लाइन लेंथ के साथ और जान लगा रहा है। तो आज तो उनको नानियां दादियां याद करवा दी इंग्लैंड की, और सबसे बड़ी जो बिली भपकियां मार रहा था इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी, अब इंडिया को 600 रन से भी जीत जाएंगे ये वो, अब उसको भी आज वो उसको दादी भी याद आ गई, नानी भी और अम्मी भी खास को याद आ गई होगी, नहीं भाई ये सामने इंडिया है बल्कि और कोई टीम नहीं है, और इंडिया को इस तरह कहना यही है कि शेर के मुंह के अंदर हाथ डालना। इंडिया ने इंग्लैंड को ये यहां पर रखा भाई और फोंक मार के जो है इंग्लैंड को उड़ा के रखती है, और ये जो बैस बॉल है ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था और यकीन मानने इसका जो मर्डर है ना वो इंडिया में हुआ है भाई। और जसप्रीत बुमराह और आर अश्वन ने बिल्कुल जो है इंग्लैंड की टीम की आज मंजी ठोक के रखती है, जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन पूरा इंग्लैंड खेले और कल तक जो है मैच जाए, वहां पर जो है इंडिया की टीम ने 2 सेशन में ही जो है इंग्लैंड को साइड पे कर दिया। उंगली दिखाते तो उंगली उनकी तोड़ के उसी पे ले जाता, बुमराह होता नौ नौ विकेट ले जाता है, ऐसे ही होना है, लेके जाएगा, मैंने तो किसी को हिस्सा ही नहीं दिया। बेस हमारी तरह हमारे बॉलर्स की तरह भाई नंबर वन बने हैं, नाम के नंबर बॉल से कह लेंगे आग निकल रही है इंग्लैंड वालों की जो टांगे हैं। खालिद साहब पानी पूरी लगाते थे, आज जैसवाल ने परफॉर्म किया और मेहनत बहुत की है। मैं कहता हूँ पागल होंगे वो लोग जो अब बुमराह अश्विन का कंपैरिजन करेंगे, बुमराह बहुत ऊपर है। ओके, आज लॉलीपॉप को अश्विन ने लॉलीपॉप दी है, पिछले इनिंग्स के अंदर बुमराह ने दी थी। शुभमन गिल की अगर बात की जाए ना, उसे फेम भी टेस्ट क्रिकेट से ही मिला था जब 2023 में उसने डबल सेंचुरी। बेस बॉल तो बढ़ गया, सबसे पहले तो सिंपल है यार, देखे आप इंडिया ने इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच हरा दिया है। जी हाँ, इंडिया ने इंग्लैंड को शानदार किस्म के तरीके से 106 रन के मार्जिन से हराया है। पहला मैच हारे, बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इससे पहले भी एक मैच हारे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, तो लगातार 2 फेलियर के बाद फाइनली इंडिया ने वो निचोड़ निकाल लिया कि बेसबॉल को कैसे पकड़ना, 106 रन की विक्ट्री विदाउट जडेजा, राहुल और विराट कोहली। ये मौका था इंग्लैंड के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इसको यूटिलाइज करते यहाँ पे मैच को ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड नहीं कर पाया। बेन स्टोक्स का वो रन आउट हो जाए, चाहे वो जो रूट की आउट ऑफ फॉर्म इनिंग्स हो जाए, जोनी बेस्ट्रो का बल्ला ना चलना, ये बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की शानदार किस्म की बॉलिंग रही है। अश्विन 499 टेस्ट विकेट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, मेरी ख्वाहिश थी कि वो 500 विकेट पर अपनी पूरी कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया, वो जिसको कहते हैं ना नोट आउट कर दिया अंपायर ने। और बुमराह ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच भी बुमराह बने। बुमराह हर पिच के ऊपर बॉलिंग कर सकता है, बुमराह खुद भी कहते हैं कि मैंने हमेशा से फास्ट बॉलर्स को देखा है, तो मुझे पता है सिर्फ फास्ट बॉलर्स के बारे में, मुझे और कुछ ना पूछो, फास्ट बॉलिंग का पूछो, नजर आता है। और अगेन एक ही बात करूंगा, T20 की परफॉर्मेंस आप एक दिन बाद भूल जाते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस आपको हमेशा याद रहती है, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बुमराह शानदार किस्म की हर जगह, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो कहते हैं अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, उनके ख्वाबों में आता है खास तौर पर जो रूट। इंडिया वो टीम है जो करके दिखाती है इस जैसा स्ट्रांग कमबैक, मुझे नहीं लगता कि कोई टीम करती है। ये बात 76 ने की है कि टीम इंडिया जब हारती है तो उसके बाद जो कमबैक करती है वो बजा देती है घंटा, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में बजा दिया पकड़ के, बैस बॉल का जो है वो जनाजा निकाल दिया, घंटा बजा दिया बैस बॉल का पकड़ के। और 76 पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंडिया की इस जीत को लेकर भाईजान बड़ी ज्यादा बातें कर रहे हैं, आपस में करनी भी चाहिए, लेकिन एक बंदे की बात सबसे ज्यादा हो रही है। आई थिंक एक बंदा पिछले 2 दिन से या 3 दिन से पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की आज बात फिर 76 ने किया, और जसप्रीत बुमराह की बात मोहम्मद आमिर ने ट्वीट करके स्पेशली किया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का, यह बात 76 ने की हुई है, इतना याद रखना, स्पीड स्टार 76 ने यह बात की हुई है कि जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का।
बाकी मतलब इंडिया ने फ्रेंडली मैच पहला दिया है उनको, उसके बाद वो घुसा के वापस उनको दे दिया कि ले लें आप। और बेसबॉल की थ्योरी जो है कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, इंडिया में और हमारे खिलाफ अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया में आके इंडिया को धमकियां देंगे, हम बेसबॉल के साथ खेलेंगे, हम पहले से तेज खेलेंगे। आपने तेज तो खेली, आपका जरूर ने 10 पे 16 कर दिया लेकिन 16 रन पे आउट हो गया। अब लॉलीपॉप ने मारना पहले पे चौका लगाया वो आउट हो गया, ठीक है। जो आज वो लॉलीपॉप नहीं चला, आज इंडिया ने उनको लॉलीपॉप दे दिया कि भाई बैठ के चूसते रहो अगले 10 दिन के लिए। बेसबॉल फुटबॉल घुस गया मेरे पास, होना सबसे पहले वो ब्रैंडन मैकलम जो कल बैठ के बकवास पेल रहा था कि हमें बेशक ये 600 का टारगेट देंगे तो हम वो भी चेज कर लेंगे। वो जिमी एंडरसन बैठ के बकवास पेल रहा है हमें ये 600 का टारगेट देंगे तो हम ये चेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। बेन स्टोक्स कह रहे हैं हम रेडी हैं, वो जैक रोली बैठ के बकवास कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि हम छोटा ग्राउंड है इजीली रन चेज करेंगे। अरे 292 पे उन्होंने आपको लुढ़क दिया है। उन्होंने प्रूफ किया कि हमारी नंबर वन बॉलिंग नंबर वन बैटिंग है। उन्होंने ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह भी हम नंबर वन है, नाम के नंबर वन बने हैं। उन्होंने भाई परफॉर्मेंस करके बताया कि हम नंबर वन है। अभी टीम इंडिया की स्ट्रॉन्ग 11 भी नहीं थी, देखें 3-4 लड़के इनके मेन नहीं थे, राहुल नहीं था, जडेजा नहीं था, अभी इनका बाप कोहली नहीं था, विराट कोहली सर बाप नहीं आ रहे थे। मुझे बताया जब उनके बाप आ जाएंगे इनके इंग्लैंड को जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बाप इनका विराट कोहली आ जाएगा फिर ये क्या करेंगे, फिर तो उनसे खेला नहीं जाएगा। देखिए विराट कोहली वन मैन आर्मी है, विराट कोहली खड़ा हो जाएगा तो बाकी 10 जो बैट्समैन इनके 5-6 होंगे ना वो तो छुट्टी पे चले जाएंगे, वो चिल रखे इंजरियां निकलेंगे, इंजरी जो मर्जी कर जाए। दूसरी साइड पे कोई खड़ा रहे उसके साथ, एक साइड पे विराट कोहली खड़ा है। बेसबॉल को घुसा के उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, इतना मारा उन्होंने आज आपको, इतना जलील किया उन्होंने आगे आपको। मुझे बता दो इतना जलील आपको कभी किसी ने किया हो, मुझे बताओ। मतलब कुत्ता बना आगे मारा उन्होंने आपको, रगड़ा आपका घंटा बजाया पकड़ के, सही मायनों में आपका घंटा बजाया। आज इंग्लैंड क्रिकेट का मोए मोए कर दिया उन्होंने, मोए मोए इनके साथ हो गया। क्योंकि कल तक ये बंदे बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम 60 या 70 ओवर्स में रन चेज कर लेंगे। मुझे बता दो कहां आपने 60 और 70 ओवर पूरे भी खेले, इतना मुझे बता दो। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो वो रोती हुई शक्लें उनकी बाहर जा रही थी आज, काफी परेशान काफी मायूस नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था यार इस तरह दोनों इनिंग में जिस तरह इंडिया ने रहा बकाया जो 3 मैच है टेस्ट के वो भी इस तरह लगता है हम हार के ही जाएंगे। इंग्लैंड पागल हो गया हो चुका था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनका बैटिंग कोच क्या आज किया उन्होंने, एक इंडिया वालों ने क्या कर दिया, उनको मुंह पे थप्पड़ मार दिया, क्या कहेंगे आप? बुमराह ने यार सबसे पहले बात करके बुमराह की यार माइंड ब्लोइंग बंदा है यार, उसके लिए बात ही खत्म हो गई है। 9 विकेट ले आया यार, इतनी मचा दिया बुमराह ने। और यार ये अच्छा मैं बताता हूँ, आपने जैसे वह 9 विकेट लिए, मुझे बताया बुमराह कैसे बोल रहा है इस टाइम, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर में उनका नाम आ चुका हुआ है, 150 विकेट ले चुके हैं इस दफा। यार बुमराह के लिए अल्फाज ही खत्म हो गए, पता नहीं क्या घर से खा के आते हैं, उनकी तो बॉल ही यार अन्नी मचाती है। अच्छा मुझे बताओ अन्नी मचा, आज जिस तरह बैंक स्टॉक ने कैच किया श्रेयस अय्यर का और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने आउट किया, क्या कहेंगे इस वाले से आप? यार ये उन्होंने बड़ी गंदी हरकत की है और उनको ये करना नहीं चाहिए था, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा मुझे बताया जब विराट कोहली आए, विराट कोहली क्या करेंगे आप? विराट कोहली ने आके फिर इनको बता देना है और उन्होंने माफिया मांग रही है। किन्होंने? यार अब मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता। अच्छा बैक स्ट्रोक ने माफिया मांगनी है। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का बॉलर है यार, ये यकीन माने इस टाइम दुनिया में तीनों फॉर्मेट का अगर कोई बेहतरीन और खतरनाक बॉलर है ना वो है जसप्रीत बुमराह। पहली इनिंग्स में 6 विकेट और दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट लेके बेस्ट बॉल का मर्डर कर दिया भाई। उमरा की जो बॉलिंग स्पेल है ना वो जी। बड़ा खतरा है उनके लिए, इंग्लैंड के लिए ना, तो वो मुश्किल ही है कि इंग्लैंड चेज कर लेगा। इंडिया जो है ना हमारा अपना ही मुल्क है, बरसगीर में रहा था बाद में जो भी हो गया, लेकिन क्रिकेट का जो बात है इंडिया में आ गया है, ये तो फुल ओके है भाई, फुल ओके है। टेस्ट मैच बराबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अभी नहीं, अभी तो तीसरे में कोहली आ जाएगा, फिर कहां पे कर लोगे? कोहली भी फारिग, कोहली तो नहीं आउट होता भाई, मैं वो तो कुछ नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कोहली के गोडे फारिग है। नहीं अच्छा लगता यार, क्यों नहीं अच्छा लगता है? उधर भी मुसलमान है और इंडियन टीम में मुस्लिम प्लेयर है या नहीं है? मुझे पता है वो फेवरेट है तो दूसरे क्यों नहीं फेवरेट, भाईचारा कैसे बनेगा? अर्शिया बत्तर ने बोला कि टीम इंडिया इस टाइम बेस्ट साइड है किसी भी फॉर्मेट की, कि बत्तर ने बोला कि टीम इंडिया इस टाइम किसी भी फॉर्मेट की बेस्ट साइड है, क्योंकि वो किसी भी टीम को ऑन द डे उड़ा देते हैं, फड़का देते हैं। क्योंकि इंग्लैंड को बेसबॉल में पकड़ना अर्शिया बत्तर ने बोला कि ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इंग्लैंड अपना बेसबॉल में बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं पकड़ सका इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया ने पकड़ा है, इंडिया ने बजाया है जो है वो इंग्लैंड को पकड़ के। और शेबत्तर ने बात की है जसप्रीत बुमराह की, शेबत्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए सब फास्ट बॉलर्स को जो इस जनरेशन के फास्ट बॉलर हैं। शाहीन अफरीदी का नाम लेके मेंशन करके शेबत्तर ने बोला कि शाहीन अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि किस तरह टेस्ट में लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की जाती है, क्योंकि ये शाहीन अफरीदी घंटा ये टी20 में कर करके फर्क हो गया है,
बिल्कुल फर्क हो गया ये बल्कि फुदरा टी ट्वेंटी में भी कुछ नहीं कर रहा था ना। कोहली भी वापस आ रहा है अगले तीन मैचों में। कोहली अगर आ गया देखो आपको पता है आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और वो मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 4-1 से वो सीरीज जीत जाएंगे। इंडिया जीत जाएगा, जीत जाएंगे मुझे लगता है। बुमराह जैसे बॉलर कहां से मिलेंगे इंडिया को? बुमराह जैसा प्लेयर मुझे नहीं लगता वैसे ही बॉलर दोबारा आएगा इन दुनिया के अंदर। मतलब देखें 9 विकेटें यार आप स्पिन ट्रैक के ऊपर ले रहे हैं इसको आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उतार देंगे ये क्या करेगा आप खुद ही सोचें। हो सकता है 10 की 10 विकेटें खुद ही लेके जाएगा। मैंने तो किसी को हिस्सा ही नहीं दे रहा। ये सबको पता था कि वो पहला टेस्ट मैच भी जीते हुए थे, पहला टेस्ट मैच भी इंडिया जीता हुआ था। वो अगर आपका वो छोटू ना आता कोडू वो ओली पोप तो वरना ये बैन बून या जितने भी तो ले गया हुआ था ना बैन। ये जो बैन का स्टोक्स है ना इसको सही रगड़ा है उसने। मैं कहता हूं कि मुझे अय्यर पे बहुत गुस्सा है, अय्यर पे मुझे बड़ा घाट है कि उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन अय्यर पे मेरा जो सारा गुस्सा खत्म हो गया जो उसने बैन के स्टोक्स को रन आउट करके उंगलियां दिखाई है ना। मैं कहता हूँ चुम्मी है उस, यकीन करो उस बंदे ने अपना काम कर दिया। बाकी मतलब इंडिया ने फ्रेंडली मैच पहला दिया उनको, उसके बाद वो घुसा के वापस उनको दे दिया कि ले लें आप। और बेसबॉल की थ्योरी जो है कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप इंडिया में, और हमारे खिलाफ अप्लाई नहीं कर सकते। साफ जाहिर है घर बुला के जलील करना इसी को कहते हैं। अभी तो देखे ना टॉप रैंक की टीम इंडिया की नहीं खेल रही थी वो अपने मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ वो मैदान में उतरे थे, उसके बावजूद जो रिजल्ट थे वो उनके हक में नहीं गए। शबाता ने ये बात की कि इंडिया टीम इस टाइम बेस्ट साइड है किसी भी फॉर्मेट की। राशिद लतीफ ने यह बात बड़ी जबरदस्त की है कि इंडिया क्यों अच्छा करती है क्योंकि उनके प्लेयरों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे होता है, अपनी कंट्री पे होता है, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का फोकस होता है लीग्स क्रिकेट, पैसा पैसा बना लो, फिक्सिंग कर लो, पैसे आ जाए। लेकिन राशिद लतीफ ने बोला कि इंडिया हमेशा अपनी कंट्री पे फोकस रखता है कि हमने अपने मुल्क के लिए बेहतर किस तरह खेलना है, हमने अपनी कंट्री के लिए बेहतर क्रिकेट किस तरह खेलनी है। इंडिया के सामने आप बेसबॉल नहीं खेल सकते, आपको फ्रंट टीम को देखते हुए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात आपने जो की कि फ्रेंडली मैच खेल के पहले वाला दे दिया, इस तरह नहीं होता। जब ग्राउंड के ऊपर कोई भी टीम उतरती है ना तो अपना वो जीतने के लिए उतरती है, अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए उतरती है। फर्स्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उन्होंने उसका रिजल्ट उनके हक में गया था। इसके अंदर इंडिया ने स्ट्रांग कमबैक किया, उन्होंने अपना पेपर वर्क स्ट्रांग किया, उन्होंने कहा नहीं हाँ आप हमारे घर में आके हमसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते, हमसे नहीं जीत सकते, तो रिजल्ट जो है वो इंडिया उनके हाथ से ले गया। जो बैन के स्टोक्स को उधर उसने रन आउट किया ना उधर से उसको बता दिया कि बेटा अबू अबू होते हैं और बेटा बेटा होता है, चाहे जितने मर्जी हो जाए ना बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। और बैन के स्टोक्स को जो रन आउट किया ना मतलब बजा दिया उसकी पकड़ के उधर। मैं कहता हूँ जलील किया आज इंग्लैंड को इनकी सारी। ये देखो पाकिस्तान क्रिकेट की तरह ये स्टेटमेंट दे रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट की तरह ये लोग स्टेटमेंट दे रहे थे। पता वो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो शाहीन अफरीदी ने बोला था 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था कि जी हम वो जी मैं 5 विकेट करूंगा लूंगा, विराट कोहली को मैं बोल्ड करूंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। बेटा तू मेरा छनकना करेगा, तू मेरा घंटा करेगा, तू मेरा छनकना करेगा, तू मेरा घंटा करेगा। बजा दिया उन्होंने पकड़ के आपको बेटा। अगले तैयारी कर क्या हुए थे विराट कोहली भी आ रहे अगले तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर, क्या आपको रिजल्ट नजर आ रहा है? विराट कोहली की जो खबर है वो कंफर्म नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी आते तो इंडिया ने जिस तरह का कमबैक कर लिया इनके खिलाफ तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब कोई भी मैच उनके हाथ में जाने। मोहम्मद आमिर ने बोला मैंने वसीम अकरम के बाद अगर किसी बॉलर में स्किल सबसे ज्यादा देखी है ना तो मुझे जसप्रीत बुमराह नजर आया। ये बात मोहम्मद आमिर ने की है। सर जसप्रीत बुमराह क्लास की चीज है, तीनों फॉर्मेट का किंग है वो। उसको T20 में डाल लो वो T20 में बजा देगा, उसको वनडे में डाल लो वो वनडे में बजा देगा, उसको टेस्ट में डाल लो वो टेस्ट में बजा देगा। और इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर जहां फास्ट बॉलर के लिए घंटा कुछ नहीं पड़ा हुआ उसने आके बजा दिया इंग्लैंड को उधर, उसने इंग्लैंड की सुझा दिया, घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर डंडा, बेसबॉल को बजा दिया उसने पकड़ के। और शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया बेहतरीन साइड है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि किस। देखो शुएब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान बाहर तो जीतना भूल जाए ना, बाहर तो हम जीत नहीं सकते अलग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान को यह सीखना चाहिए कि इंडिया अपने घर में किस तरह जीतता है और हम अपने घर में जीत नहीं पा रहे। पाकिस्तान पिछले 4 सालों में 2 से 3 टेस्ट मैच जीता हुआ है, सिर्फ आई थिंक 2 टेस्ट मैच जीता हुआ है। और जो टीम टेस्ट मैच जीत नहीं रही और हमारे लोगों से ना बकवास करा लो ट्विटर पे बैठ के, ये ट्रोल करवा लो टीम इंडिया को, मीमे बनवा लो, क्योंकि हमारी खुशी तो सारी इसी में है कि इंडिया इंग्लैंड से हार गई है, हम खुश हैं इसमें, लेकिन हमें इस बात का गुस्सा नहीं है कि हमारी टीम हार रही है, उसमें हमें गर्ज ही नहीं है। ये होती है ढीठपन की हरकतें, इसे कहते हैं घंटे की टीमें, इसे कहते हैं घंटे के फैंस। निकलना सोनू पीली चपल बाहर, अब तेरा बजा दिया इंग्लैंड को उन्होंने पकड़ के। यार बुमराह की अगर बात की जाए उसकी मुझे 2 विकेट्स बहुत पसंद आई थी, एक ओली पॉप की। ओली पॉप ने जो पहले मैच में स्कोर कर दिया था उसने गलती कर दी थी, पहले मैच में इतना स्कोर करके उसने दहाड़ के रख दिया था और इंडिया वालों को पता चुप कैसे करवाना है। बुमराह ने आके जैसा से यॉर्कर करवाया, एक स्टंप बोर्ड के जा रहा है, एक बोर्ड के जा रहा है, उसके बाद जॉय रूट की बात करें इन स्विंग करके आउट स्विंग पे उसे आउट कर दिया, पजल करके उसे आउट किया, बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस थी।
ये जॉनी ब्रेस्टो जॉनी सिंह साहब ने इकट्ठे किए हुए हैं बेटा, ये इधर नहीं चलेंगे, आगे इधर नहीं चलेंगे। बेस बाल को एक्सपोज कर दिया है रोहित बाल ने बेटा, पकड़ के बजा दिया आपकी, इधर से निकले हुए थे ना आप लोग, इधर से उधर ही घुसा दिया। मुझे बता दो ना किस बॉलर को आपने अच्छा खेला। और मुकेश कुमार एक विकेट ले गया, और जिसका रिदम आगे पीछे हुआ उसने विकेट ले लिया एक। मुझे बता दो ना किस किस ने किया है। ये जॉनी सिंह सुन जितने भी है कोई नहीं चले, माइकल वान के बच्चे तू तो, मैंने लेनी है एक एक बंदे की पकड़ के लेनी है, टेंशन तो आपने लेनी नहीं ना, सबकी लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमारा काम है लेना। तो लेने के चक्कर में तो सबको पता कि हम सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि मैं कल मैंने देखो कल मैंने जो वीडियो किया मैच के बाद तीसरे दिन के खत्म होने के बाद, मैंने ऊपर टाइटल क्या लिखा था, इंडिया इज नियर टू बिग विन। मेरे बड़े लोगों ने नीचे कमेंट किए नहीं होगा, नहीं दे लो फिर बेटा, इंडिया इज नियर टू बिग विन, नहीं इंडिया बिग विन की तरफ चला गया, ठोक दिया उन्होंने पकड़ के इंग्लैंड को, इंग्लैंड की बेस बॉल का घंटा बजा दिया उनका। ये जो कल तक बैठ के बकवास पेल रहे थे, ये वो जी चार पांच इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं एक दिन में इंग्लैंड की तरफ से, चार पांच स्टेटमेंट। और डियर इंग्लैंड, दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि बजा के चले जाओगे, ये टीम इंडिया है, इधर बजाते नहीं है, वो पकड़ के आपकी बजा देते हैं। कितनी उन्होंने बजाई आपको मुझे बताओ, पहले दिन आपकी जयसवाल ने बजाई है, दूसरे दिन आपकी बुमराह ने बजाई है, तीसरे दिन आपके शुभमन गिल ने बजाई है, और चौथे दिन तो पूरी इंडिया ने मिलकर आपकी बजा दी है। लेकिन जो अय्यर ने उंगल दी है ना, जो अय्यर ने उंगल दी है ना ब्रांड उसको बैन के स्टॉक्स को, उसकी तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है ना। ये जितना भी इंग्लैंड का तकबर गुरूर शुरूर था पटक दिया उन्होंने, ये माइकल वान, ये कीवन पीटरसन, वो मोनिटी पैनासार, ये जितने भी बैठ के बकवास कर रहे थे, प्लस इंडियन जो क्रिकेटर खेल रहे हैं ये सॉरी इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ये कल बैठ के कह रहे हैं जी वो ब्रैंडन मैकलम ने हमें बोला है कि जी 600 रन भी अगर हो जाए ना तो हम चेज के लिए जाएंगे और हम चेज करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। बेटा हिस्ट्री क्रिएट तो नहीं हुई, रेस्ट इन हिस्ट्री हो गए आप लोग, क्योंकि आरआईपी कर दिया उन्होंने बेसबॉल के साथ, आरआईपी हो गए आपकी बेसबॉल के साथ, आपकी बेसबॉल का उन्होंने पकड़ के घंटा बजा 255 पे ऑल आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल ने 100 स्कोर किया, क्या कहना चाहेंगे? खैर उसने कर दिया फिड़का, उनके पास बैन स्टॉक है हैरी ब्रुक का, वो मार देगा स्कोर, उसका क्या फायदा भाई 400 का टारगेट है और इधर बुमराह है जो है क्या हुआ, उन्होंने इंग्लैंड में पाकिस्तान आके 500 का जो लॉलीपॉप है ना वो ही कर जाएगा इंशाल्लाह डबल सेंचुरी। लॉलीपॉप को तो पिछली दफा बुमराह बहुत अच्छा बोल रहा है, बुमराह ने आते शिकार कर लिया था उसको, वो बुमराह अच्छा बोल रहा है, उसने नहीं करने देना। हां भाई फ्लैट पिच पे भी बुमराह उनकी मतलब धज्जियां लाई, इस वक्त वर्ल्ड कप के बाद बुमराह फारिग हो चुका है, अब उसका काम नहीं है टेस्ट मैच। भाई तुम थोड़ी सी होश करो, क्या काम क्या कुछ बोली जा रहे हो, बुमराह फॉर्म में है, बुमराह ने पिछली इनिंग में 6 विकेट लिए, बस फारिग हो गया अब। फ्लैट पिच पे भी धज्जियां, ओली पॉप, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक ने इंशाल्लाह 50 अप स्कोर करना है और 400 चेज होना है रन, आप टेंशन ना ले, हो जाएगा 50 पे एक आउट हो भी गया है भाई, फिर क्या हुआ, उनका पास क्या ख्याल है कि बुमराह नहीं चेज करने देगा, बुमराह नहीं करने देगा भाई, मैं यही बात आपको कर रहा हूं, आप फिर क्या हुआ, एक एक टेस्ट मैच बराबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अभी नहीं अभी तो तीसरे में कोहली आ जाएगा, फिर कहां पे कर लोगे, कोहली भी फारिग, कोहली तो नहीं आउट होता भाई, मैं वो तो कुछ नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कोहली के गोड़े फारिग है यार, आप बात को किस तरफ ले जाते हो, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी यार, वही कर रहा हूँ, स्टैमिना है उसमें, 40 प्लस अभी खेल रहा है, इतनी जबरदस्त तो भाई, इंग्लैंड एक हैवी टीम है, वो T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन रही है, 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनी है, लेकिन वो इंडिया को हरा गई वर्ल्ड कप में, क्या परफॉर्मेंस रही उसकी, कितने मैच आ रहे हैं उन्होंने, किसने, अफगानिस्तान हो जाती है ना कभी कभी, उसका कोई इशू नहीं है, अब वो माशाल्लाह कमबैक कर रही है आस्ता आस्ता करेगी और जीतेगी इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड हम फैन है, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और मैंने जो है आपको भुस्सा बर्गर खिलाना है, नहीं वो नहीं, हम खाएंगे लैटमाइट डड्डू और जिंगर शवारमा। देखिए आगे इंडिया के 3 मैचेस लगे हैं टेस्ट मैचेस, क्या आपको लगता है कि इंडिया तीनों के तीन अपने नाम करेगा या फिर फंसेगा कोई मैच? यार नहीं, आप नहीं फंसना, आप तो विराट कोहली वापस आ रहा है, 3 मैचेस में तो वो उसने भी खेलना है, आप रही सही कसर उसने आगे पूरी कर दी नहीं है, ये तो लक थी इंग्लैंड वालों की कि उसको कोई पर्सनल काम पड़ गया था, वो खेल नहीं सका, वो खेल रहा होता तो इंडिया ने इंग्लैंड ने वाइट वॉश होकर जाना था। तो देखिए ना इंडिया की जिस जैसी फॉर्म चल रही है, अगर पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच होता है तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं हरा पाएगा यार, हमारे पास टीम ही नहीं है टेस्ट की, हम कहाँ से हराएंगे उनको, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है जो प्रॉपर टेस्ट खेल सके, हमारी एक इनिंग खेलते हैं इंजर होकर बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, आपके लीड बॉलर एक टेस्ट खेल के बाद में इंजर हो जाते हैं, तो हमने क्या इंडिया को शिकस्त देनी। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया बेहतरीन साइड है, इंडिया से सीखना चाहिए सब टीमों को, लाइक इंडिया आप देख लो पहला टेस्ट मैच हारी है और दूसरे में जो उन्होंने कमबैक किया है पकड़ के बजा दिया उन्होंने, ये वही इंडिया जो एडिलेड में 36 ऑल आउट हुई थी, और उन्होंने शुएब अख्तर ने बोला कि जब इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी थी तो मैंने वीडियो में भी ये बात की है, इंडिया को कभी भी इजी नहीं लेना, क्योंकि वो कमबैक इतना स्ट्रांग करती है कि अगली टीम हैरान हो जाती है ये हमारे साथ हुआ क्या है, या ऑस्ट्रेलिया से पूछ लो जाके, एडिलेड में 36 ऑल आउट और टेस्ट सीरीज ही जीत ली, गाबा में भी हराया, फिर टेस्ट सीरीज जीती, फिर जलील किया,
फिर उनके घर में उनको रुलाया और पैट कमिंस ये 400 बार बात कर चुका है कि गाबा वाली हार हमें आज तक बर्दाश्त नहीं हुई, हम डाइजेस्ट नहीं कर सके उस हार को। तो बेटा इंडिया इस क्लास का नाम है टीम इंडिया। रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है, आउट क्लास कप्तानी की है रोहित शर्मा ने। देखो राशिद लतीफ ने बड़ी ऑनेस्ट बात की है कि इंडिया इंडियन प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, उसने बात किया कि उन्होंने बात किया कि लाइक इंडिया क्यों अच्छा करता है, इनके रोल मॉडल कौन है, इनके रोल मॉडल इन्हीं की कंट्री के हैं। लाइक शुभमन गिल का रोल मॉडल कौन है, विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह लाइक छोटे जितने भी यंगस्टर उनका रोल मॉडल कौन है, जसप्रीत बुमराह। तो भाई जिनके रोल मॉडल उनकी कंट्री के हैं, वो अपनी कंट्री के लिए जान देने को तैयार हैं यार। ये राशिद लतीफ ने बात कर उनके क्रिकेट में ये नजर आता है। और हमारे घंटे लीग्स क्रिकेट पैसा ब्ला ब्लू ब्ली। और शुएब अख्तर ने बोला है कि इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है ना वो बड़े ही सिक्योर हाथों में है, क्योंकि उनका जो प्राइम फास्ट बॉलर है ना वो जसप्रीत बुमराह। आप जितने भी फास्ट बॉलर आएंगे ना वो जसप्रीत बुमराह बनना चाहेंगे, क्योंकि पहले तो इंडिया में बैटिंग का राज था कि जो आता था मैंने विराट कोहली बनना है, मैंने रोहित शर्मा बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। लेकिन अब बॉलिंग का क्रेज भी ज्यादा आ रहा है, बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर है इंडिया के पास। पाकिस्तान के पास क्या है, मुझे पाकिस्तान का एक स्पिनर बता दो जो टेस्ट क्रिकेट में क्लास का स्पिनर हो, घंटा। मुझे पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर बता दो जो टेस्ट क्रिकेट में क्लास का हो, घंटा। जब इनके पास घंटे पड़े हुए हैं तो उन्होंने बजवानी है अपनी। ये बैन का स्टोक्स, बैन का फोक्स, बैन का डकिट, बैन का मैकलम बजा दिया है बुमराह ने, सबकी पकड़ के बजा दिया ना। उसने अपनी क्लास दिखाई है, उसने बताया है कि भाई आपके अंदर स्किल हो ना, स्किल तो आप किसी भी विकेट के ऊपर फड़का सकते हो। ये शाहीन अफरीदी के बाद शुएब अख्तर ने की है कि शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेट नहीं ले रहा, 130 पे बॉलिंग कर रहा है और वो भी T20 लाइन लेंथ वाली, जबकि ऑस्ट्रेलिया में तो आपको विकेट ज्यादा सपोर्ट करती है। बुमराह एक ऐसी विकेट पे आके बजा रहे हैं इंग्लैंड की जहां फास्ट बॉलर के लिए घंटा कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये वो इंग्लैंड है जो कल तक स्टेटमेंटे दे रहे थे, जेम्स एंडरसन ने बोला हम 60 ओवरों में मैच खत्म कर देंगे, 80-83 घंटा बजा दिया, पकड़ गए आप सबका, उड़ा दिया आपको बेटा, पकड़ के जिधर से निकले हुए थे ना उधर ही घुसा दिया आपको, आज के बाद अब्बू के साथ पंगा नहीं लेना, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा है जिसमें आज शुभमन गिल ने भी सेंचुरी की है, 400 का जो है टारगेट सेट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं अभी मैच देख कर आ रहा हूँ, तो शुभमन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, पिछले मैच में काफी अच्छा किया था, ठीक है, IPL में भी काफी अच्छा खेला है, ठीक है, उसके साथ जो वो वर्ल्ड कप में इनिंग्स खेली है उन्होंने, ठीक है, उसके बाद सीरीज खेली है। सर जिस तरह से उन्होंने आज कमबैक किया, मतलब वो मूवमेंट कैसा देखने वाला था कि उनके आंसू आ गए, मतलब देखे इतनी देर के बाद परफॉर्मेंस दिखाई है? हाँ वाकई काफी अच्छा खेल रहा है, ठीक है, उसने अनकरीब देख लेना फिर रिकॉर्ड कायम कर देना है अपना, ठीक है, उसके बाद बाबर जो हमारा बाबर है, ठीक है, वो उसका तो आजकल दिन है वो बोल जाए भाई वो तो घंटे का नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, कमबैक करेगा कोई बात नहीं शबनम, लेकिन आज उसने काफी अच्छा खेला है। उसके बाद जो टारगेट 400 का उसने सेट कर दिया, उन्होंने करने नहीं देना, बुमराह है शमी है, उसके बाद बुमराह तो फाड़ के रख देगा भाई, शमी नहीं है भैया, जैसे उसने पोपी को यॉर्कर मारा है तो मेरे ख्याल से वो नहीं चल पाएगी इंग्लैंड के सामने। नहीं उधर दूसरी तरफ दे रहे ओली पॉप और वो बैन स्टोक, मतलब वो उम्मीद है इंग्लैंड की, तो बुमराह इनका मतलब आते ही शिकार कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ना मैं आपको क्या बताऊं, अब बुमराह की लाइन ऑफ लेंथ, हाँ जी हाँ, इंग्लैंड के ना आजकल वैसे भी दिन खराब चल रहे हैं, जैसे इंग्लैंड के इंग्लैंड वर्ल्ड कप में हुआ, ठीक है, उसकी सारी टीम 130-135-150 पर आल हो रही है, ठीक है, और वहां पर बुमराह जो कमबैक करके आया 150 प्लस लगा रहा है, ठीक है, फ्लैट पिच पे देखें स्पिन बॉलिंग फेवर पिच है, तो उस पे भी बुमराह जो है ना छा गया यार, बेसिकली काफी अच्छा बॉलर है यार वो, लेकिन हमारे भी अल्लाह करे कोई हमारा शहीन काम कर जाए। हाँ, बस दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे वो हो जाए, बस परफॉर्मेंस से नहीं कोई दिखाता यार। हाँ यही बात है ना, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, शहीन भी काम करेगा और बाबरी भी काम करेगा। तो क्या लगता है ये मैच जो बहुत ही ज्यादा ना टारगेट सेट कर दिया इंडिया ने, ये इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड चेस कर लेगा? नहीं मेरे ख्याल में नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच का रिजल्ट, मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि शायद कल ही आ जाए, कल शायद जो अब इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट